विधानसभा चुनाव के दौरान बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके सीएम योगी आदित्यनाथ के जमीन कब्जा मुक्त अभियान को अलीगढ़ में भूमाफिया खुली चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को धौरिया माफी में कोल तहसील प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त कराई गई 20 करोड़ की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने दोबारा कब्जा शुरू कर दिया है। तो वहीं प्रशासन ने कार्यवाही के बाद जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया था। अब 4-5 दिनों पहले वहां फिर से कब्जा शुरू कर दिया गया है। ध्वस्त दीवारों को नए सिरों से जोड़ा जा रहा है। बुधवार को यहां पर 4-5 मजदूर काम कर रहे थे। तेजी से निर्माण का कार्य जारी है। वहीं प्रशासनिक अफसर इस प्रकरण में चुप्पी साधे हुए हैं। अवैध कब्जे को रोकने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को भी इस अवैध निर्माण की भनक तक का नहीं है। इसी के चलते भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं। तो वहीं मंडलायुक्त गौरव दयाल का कहना है कि सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए सरकार बेहद संवेदनशील है। अगर ऐसा कोई मामला है तो इसकी जांच कराई जाएगी, तत्काल ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने अभियान निरंतर चलता रहेगा। 4 अप्रैल को कोल तहसील की राजस्व टीम ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया था। अब जल्द ही दोबारा से कार्यवाही करके जमीन को कब्जा मुक्त कराई जाएगी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आई।